श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन राम का स्वरूप अंतरंग एवं बहिरंग, इस प्रवचन का तीसरा भाग। महाभारत में एक कथा आई है कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे कि आपस में युद्ध मत करो, जो राज्य का अंश पांडवों को मिलना चाहिए उन्हें दे दो। दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि कहता है शुचि अग्रण वातव्यं बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान समझाते हैं दुर्योधन, जरा सोचो, कर्तव्या कर्तव्य और धर्माधर्म पर विचार करो। दुर्योधन उत्तर देता है, जनामि धर्मेण च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवान हृदयस्थि तेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। अर्थात मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उस ओर नहीं है। मैं अधर्म की बात भी जानता हूं, लेकिन मेरी निवृत्ति उस ओर से नहीं है। कोई देवता मेरे अंदर बैठा हुआ है, वह जहां मुझे नियुक्त कर देता है मैं वही करने लग जाता हूं। विवेकी जन विचार सकते हैं उसके हृदय में देवता बैठा है या राक्षस। दुर्योधन को भगवान विविध भांति से समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं होता है। भगवान के भोजन हेतु दुर्योधन ने बहुत प्रकार की चीजें बनवाई थी, किंतु भगवान ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। भगवान जाते हैं विदुर जी के यहाँ, विदुरानी जी के यहाँ क्या खाते हैं? संत पलटू साहब कहते हैं, खाया दासी सुत भाजी। कैसी विचित्र बात है, भगवान जब विदुर जी के यहाँ जाते हैं तो संयोग से विदुर जी थे नहीं, विदुरानी थी। भगवान को देखकर वे इतने विह्वल हो गई कि उनको होश ही नहीं रहा कि क्या खिलाऊं। घर में पके केले थे, वे केला छील छील कर गुदा फेंकती जाती थी और छिलका भगवान को देती जाती थी। भगवान भी छिलका खाते जा रहे हैं प्रेम से। इतने में आ जाते हैं विदुर जी। वे अपनी पत्नी से कहते हैं, पगली क्या कर रही है, गुदा फेंकती जा रही है और छिलका भगवान को दे रही है। अपने अटपटे व्यवहार से लज्जा हो जाती है, बेचारी को संकोच हो जाता है। अब बेचारी जब छिलका छिलकर भगवान को गुदा देती है तो खाते हुए भगवान कहते हैं, जो स्वाद छिलके में था वह गुदे में नहीं है। इसी प्रकार एक दूसरा प्रसंग है। संत पलटू साहब कहते हैं, राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोरा शकल समाजा, मर्दा सब का मान, स्वपच बिन घंट न बाजा। महाराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब यज्ञ पूरा होगा तो 3 बार घंटा बजेगा, परंतु यज्ञ समापन होने पर घंटा 1 बार भी नहीं बजा। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, भगवान आपने कहा था कि यज्ञ पूरा होने पर घंटा 3 बार बजेगा, यहाँ तो 1 बार भी नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ में भोजन तो आपने बहुत लोगों को कराया, लेकिन भक्त का भोजन नहीं हुआ। वे बोले, भक्त कहाँ है, बतलाइए, उनको भोजन कराएंगे। भगवान ने कहा, वे काशी जी में रहते हैं, स्वपच भक्त के नाम से लोग उनको जानते हैं, उनको बुलाकर ले आइए। युधिष्ठिर जी ने भीम को उनके पास भेजा। भीम राजमद में मस्त थे, तन मद में मस्त थे, जवानी के मद में मस्त थे। 10,000 हाथी का बल उनकी भुजाओं में था। मन में सोचने लगे, यदि बाबा जी नहीं आना चाहेंगे तो उनको उठाकर रथ पर बिठाकर चल दूंगा। संत तो बड़े पारखी होते हैं, पहले ही परख गए कि यह तो घमंड में चूर होकर मेरे पास आ रहा है। भीम वहां गए, स्वपच भक्त ने पूछा, कहाँ आए हो,
भीम ने कहा, आपके पास आया हूँ आपको हस्तिनापुर ले जाने के लिए, वहाँ आपको भोजन कराया जाएगा। महाराज युधिष्ठिर ने मुझे आपके पास भेजा है। शौपद जी ने कहा, अच्छा बात तो पीछे होगी, मैं पूजा में बैठ गया हूँ, मेरी सिमरणी ऊपर टंगी है, जरा दे दो, पूजा से उठकर बात करूंगा। सिमरणी दीवार पर लटकी हुई थी। भीम के मन में हुआ कि डोम की सिमरणी छूं तो कैसे, यदि नहीं छूता हूं तो भी मुश्किल है, वे कहेंगे कि मेरी बात तुमने सुनी नहीं, तो जाओ तुम्हारी बात मैं भी नहीं सुनूंगा। लाचारी उसने सिमरणी पर एक अंगुल लगाई, सिमरणी टस से मस नहीं हुई, क्रम क्रम से उसने दूसरी तीसरी और चौथी उंगली लगाई, फिर भी सिमरणी टस से मस नहीं हुई। भीम की भुजा में 10,000 हाथी का बल था, उन्होंने सारा बल लगा दिया, फिर भी सिमरणी ज्यों की त्यों रही, टस से मस नहीं हुई। जो अहंकार उनके मन में था वही गलकर खत्म हो गया। भक्तराज जी जब पूजा से उठते हैं तब भीम से पूछते हैं, कहो क्या बात है। भीमसेन ने अपनी बात बताई, कहा रथ लाया हूँ आपको लेने के लिए, चलिए रथ पर। स्वपच भगत जी कहते हैं, देखो जी मैं तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा, राजाओं के यहाँ बहुत प्रकार के कुअन्न आते हैं, मैं उस अपवित्र अन्न को खाने के लिए नहीं जाऊंगा। भगत जी की बात सुनकर भीम तो मन ही मन जल भूनकर राख हो गए। मन में सोचने लगे, डोम तो किसका किसका छुआ, कैसा कैसा अन्न खाता है, और यह कहता है कि राजाओं का अन्न मैं नहीं खाता हूँ। भीम लौटकर चले आए और युधिष्ठिर जी से कहा, आप मुझे जैसे तैसे आदमी के पास भेज देते हैं, वह नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर आपके जितने भी भाई हैं सभी राजमद में माते रहते हैं, आप स्वयं जाइए और उन्हें सादर ले आइए। युधिष्ठिर महाराज स्वयं जाते हैं रथ लेकर, स्वपज भगत जी से अनुनय विनय करते हैं, चलने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वपज जी कहते हैं, मैं राजा का अन्न नहीं खाता, वह अपवित्र होता है। युधिष्ठिर महाराज ने विनित भाव से कहा, महात्मन राजा का अन्न तो अवश्य ही अपवित्र होता है, लेकिन आप जैसे महान संत भोजन नहीं करेंगे तो वह पवित्र कैसे होगा। अन्न पवित्र करने के लिए ही तो आपको ले जाने आया हूं, कृपा पूर्वक चलकर पवित्र कीजिए। प्रसन्न हो गए संत, बैठ गए रथ पर और चले। द्रौपदी के मन में हुआ कि इतने बड़े संत महात्मा हमारे यहाँ आ रहे हैं कि किसी के आने से घंटा नहीं बजा, इनके ही आने और भोजन करने से घंटा बजेगा, इसलिए उन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक बहुत चीजें बनाई और बनवाई। मन में सोचा, यह खिलाऊंगी वह खिलाऊंगी, इसका स्वाद ऐसा होगा उसका स्वाद वैसा होगा, आदि आदि। घर के राजा के घर में कमी किस बात की थी, बहुत सी चीजें बनी। गए वहां, स्वपद जी बैठे भोजन करने के लिए, द्रौपदी भोजन कराने के लिए बैठी, सोने की थाली व कटोरे में सारी चीजें अलग अलग परोस कर रखी हुई थी। स्वपद जी ने क्या क्या सारी चीजें मिला दी एक ही में। जैसे ही उन्होंने एक और भोजन लिया वैसे ही एक बार घंटा बज गया। भगवान महाराज युधिष्ठिर के सहित सबके मन में प्रसन्नता छा गई। इधर द्रौपदी के मन में हुआ कि इतनी मेहनत से मैंने इतनी चीजें बनाई थी कि संत जी अलग अलग स्वाद लेकर खाएंगे, लेकिन ये क्या एक एक चीज का स्वाद लेकर खाएंगे, आखिर जाति के तो डोम ही ठहरे, सबको मिला जुला कर एक कर दिया। द्रौपदी के मन की बात अंतर्यामी संत समझ गए। भोजन करने से उनका हाथ रुक गया। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ते हैं, निवेदन करते हैं, महाराज भोजन कीजिए। स्वपद जी कहते हैं, राजन जो साधु का भोजन होना चाहिए था वह हो गया, अब जो भोजन होगा वह डोम का होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पूछो द्रौपदी से। अब बेचारी द्रौपदी हो गई काठ, अनुनय विनय करने लगी, क्षमा कीजिए मुझसे भूल हो गई। स्वपज महाराज बोले, ठीक है भोजन तो होगा लेकिन अब घंटा नहीं बजेगा। इसी संदर्भ में संत कबीर साहब ने कहा है, मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया के, शबरी भिलनी थी
वन में रहती थी, वहां और भी ऋषि मुनि थे, लेकिन भगवान श्री राम और किसी के यहाँ नहीं जाकर शबरी के यहाँ ही जाकर कंद मूल फल खाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया के, जोगी जी आए मुनि जी आए, घंटा बजोलन डोमिनिया के, मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया के। पद लंबा है, अंत में कहते कहते उन्होंने कह दिया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमहू तो हई जोलिनिया के। इसीलिए भगवान राम कहते हैं, मैं जाति पाति की बात नहीं मानता, कुल धर्म की बात नहीं मानता, जागतिक पद प्रतिष्ठा आदि कितना भी वैभव हो जाए, लेकिन यदि किसी के अंदर भक्ति नहीं है तो वह बिना जल के बादल के समान है। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में, पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन घोटा जिले के कोर का ग्राम में दिनांक 30/1/1995 ईस्वी को हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय।